फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल dearclass.com। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक में हुए इंग्लिश के पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ग्रामर सेक्शन को ही बता पाएंगे और अगले वीडियो बहुत जल्दी उसका भी अपलोड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मैं अपलोड करूंगा और बहुत जल्दी अब से एग्जाम खत्म होने के बाद तो हम उसका भी आंसर जो है अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और सेकेंड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ और फटाफट उसका आंसर ले लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपना ग्रामर सेक्शन जो है खोल लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्या है, ग्रामर सेक्शन के हैं और इसमें हमें चूज करना है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो फटाफट हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 31, हिज मदर वॉज कन्फ्रंटिंग हिम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल के बनाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ही वॉज बींग कम्फर्ट बाई हिज मदर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही इज रीडिंग ए नोवेल। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, ए नोवेल इज बींग रीड बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा, ए नोवेल इज बींग रीड बाई हिम। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है कह रहा है कि शुभम विल क्लीन द क्लास। फ्रेंड, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, द क्लास विल बी क्लीन बाय शुभम। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है ना, क्योंकि भर थ्री यहाँ पे क्या है, क्लीन, क्लीन का भर थ्री क्लीन ही होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, क्वेश्चन जो है हमारा 34 से लेकर 46 तक ये सभी हमारे इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी कि नरेशन। ठीक है, तो हमारा 34 क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयर सेड माय वाइफ इज ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, द एम्प्लॉयर सेड दैट हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल। जैसा कि आप लोग नरेशन में पढ़े होंगे उसके हिसाब से, अगर इसको आप इसका पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम बहुत जल्दी उस नरेशन का भी चैप्टर जो अपने ट्यूटोरियल जो अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। मास्टर जो है अपने नौकर को ऑर्डर आदेश दे रहा है जो है दरवाजे को बंद करने के लिए। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही सेड आई एम प्लेइंग टू मेरीगेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो बोल रहा है, ही सेड आई एम प्लेइंग टू मेरीगेट। तो इसका सही आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टू मेरीगेट। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 37। तो जैसे कि आप लोग फ्रेंड देख रहे हैं, 37 से लेकर 39 तक के जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें सुटेबल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एक्सिलरी वर्ब। तो कैसे होगा, तो पहला 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इट ब्लैंक हॉट टुमारो। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा इज, इट इज हॉट टुमारो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर लिंक द ब्लैंक्स माई ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड, ब्रेड एंड बटर ये दोनों जो है एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, आई ब्लैंक होम बिफोर सी अराइव्ड। तो इसका सही आंसर होगा हैव हैड लेफ्ट। ठीक है, आई हैड लेफ्ट होम बिफोर सी अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 40, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 42 तक जो है हमें मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन को इसमें फिल करना है। तो कह रहा है कि लुक ब्लैंक द चाइल्ड, तो इसका आंसर होगा लुक ऑन द चाइल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 है, ही डाइड ऑफ कैंसर। जो बीमारी होते हैं बीमारियों के नाम के साथ जो है ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 42, थ्री पर्सन वेयर विटनेस ब्लैंक दैट इवेंट। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑफ, थ्री पर्सन वेयर विटनेस ऑफ द इवेंट। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 43, तो 43 से 45 तक जो भी है उसमें हमें राइट स्पेलिंग को जो है चूज करना है। तो फ्रेंड, 43 का जो राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है एकदम सही है।
44 का जो आंसर होगा वो होगा बी, एक्सेप्शन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 45, तो फ्रेंड 45 का जो एडजेक्ट आंसर है वो है सी, सर्कमटेंस, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा 46 से लेकर 50 तक के जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है, इसका एडजेक्ट मतलब सही जो है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है बहुत से पढ़े लोग देख रहे थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेनी एजुकेटेड पर्सन वेयर वॉचिंग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये आपका है फ्यूचर टेंस का, ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम आपको ग्रामर का भी इस पर ट्यूटोरियल वीडियो जो है आपको अपलोड करेंगे, उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होंगे, क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाई 4 o'clock, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इस सबका चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम बहुत जल्द ही उसका वीडियो जो अपलोड करेंगे, इसका ट्यूटोरियल लाएंगे ग्रामर के लिए, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आई प्रिफर्ड क्रिकेट टू फुटबॉल। प्रिफर्ड का मतलब होता है अधिक पसंद करना, जब आप ट्रांसलेशन का एडवांस पढ़िएगा तो उसमें सब ऐसे वर्ड जो आपको बनाने को मिलेंगे, ऐसे सेंटेंस आपको बनाने के लिए मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 49, मजुमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मजुमदार साहब इज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर, ठीक है। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाहन चालक मतलब होता है ड्राइवर, माई ड्राइवर हैज बीन इल फॉर द लास्ट 4 डेज, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूरी से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम बहुत जल्दी इसका जो आपके बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स कीजिएगा, हम उसका उत्तर जो है जरूर देंगे।